अजय सिंह बोले, कांग्रेस को विंध्य से मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। पूर्व नेता ने कहा, इलेक्शन में प्रशासन और चुनाव आयोग का नहीं मिला सपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता सीटों के गुणा भाग में लगे हुए हैं। उम्मीदवारों के जीतने को लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विंध्य इलाके में सीटों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने दावा किया है कि इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त विंध्य क्षेत्र से ही मिलेगी। भोपाल में चर्चा में अजय सिंह ने कहा, मैं अपने एरिया के बारे में कह सकता हूं कि अभी विंध्य में हमारी पार्टी की 6 सीटें थीं। अगर कांग्रेस को कहीं सबसे ज्यादा बढ़त मिलेगी तो विंध्य में मिलेगी। पूरे प्रदेश में जो खबरें मिल रही हैं वो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव की हवा है और इस बदलाव की हवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातावरण बन चुका है। अब कितनी सीटें आएंगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा ये जरूर कह सकता हूँ। आप स्टार कैंपेनर थे लेकिन आपने सिर्फ अपने क्षेत्र में ही ज्यादा फोकस रखा। अजय सिंह, हम स्टार कैंपेनर को अपना अपना एरिया बताया गया था। मुझे रीवा शहडोल संभाग था, वहाँ से आप देख लीजिए 2018 की तुलना में कितनी बढ़त आएगी। इन चुनाव में प्रशासन का आपको कितना सपोर्ट मिला है? अजय सिंह, चुनाव में निर्वाचन आयोग का एक रत्ती पर सहयोग नहीं मिला। मैंने 50 शिकायतें की लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई, ये पहली बार मैंने देखा। इससे पहले मैं 6 बार विधायक रह चुका हूँ और 1 बार हारा हूँ। इसके अलावा पिताजी के 5 चुनाव का इलेक्शन एजेंट भी रह चुका हूँ, लेकिन इस तरह के चुनाव कभी नहीं देखे थे। विंध्य के लोग कहते हैं कि रीवा कोरेक्स की राजधानी बन गया, इसे आप कैसे खत्म करेंगे? अजय सिंह, पुलिस सही काम करे तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं की शह पर यदि ऐसा हो रहा है तो फिर मुश्किल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।